हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज. इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द मीडियटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. राइट, इन दैट वी स्टडीड द इंट्रोडक्शन, राइट, लाइक मेज़ोलिनी एंड स्क्रूजल, इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला, दैट इज़ द मीडियटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी, इज द मोस्ट सिटेड आर्टिकल on the mediatization of politics fall. And then encyclopedia में भी, international encyclopedia है, उसमें भी क्या है, the international encyclopedia of communication, उसके include, इसके अंदर भी mediatization of society and mediatization of politics ये include हुआ है. मतलब देखो कितना important है ये mediatization. Then next point is the मीडियटाइजेशन रेफर्स टू द सोसाइटी चेंज प्रोसेस. ये क्या है, इट रेफर्स टू अ सोशल चेंज प्रोसेस, जहाँ पे क्या है, अपन मीडिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि मीडिया क्या अपने को इन्फ्लुएंस करता है, और अपन एंड मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी. देन फिर मिलिटाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन अ कंसेप्चुअल एज ऑन पर विथ अदर लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस सच एज ग्लोबलाइजेशन. सी, आज ग्लोबलाइजेशन जितना इम्पोर्टेंट है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन में जैसा चल रहा है, जितना इम्पोर्टेंस है, उसी तरह मिलिटाइजेशन को भी एक इम्पोर्टेंस है. मिलिटाइजेशन से भी अपने को क्या है, लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन मिल सकती है. इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, मीडियटाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच वी आर यूजिंग द मीडिया एंड इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंसिंग इट. दिस होल्ड्स ट्रू बोथ फॉर मीडियटाइजेशन जनरल एंड द मीडियटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, मीडियटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स has been defined as a long-term process through which the importance of media and their spillover effect on political process, institution, organization and actor has increased. See, mediatization covers the four essential points, four essential process. First is it is a long-term and dynamic process. The essence of mediatization is increasing importance and influence of media. Mediatization affects all parts of politics, including the process as well as the political institution, organization and actor. Many of the media related influence will be directly or fir indirectly, but result kya hai kaise political institution, organization, actor active hote hai, proactive hote hai, adapt karte hai media ko taki wo apna sara sab kuch communicate kar sake logo ko. Then definition, mediatization is the loss of intimacy, the status of person not subject to local lord but only to higher authority directly, Holy Roman Empire. The action on process whereby the mass media comes to control or affect something. Then एक और simple एक दो तीन definition याद करके रखना, like आपको जो भी आसान लगे. जैसे अभी मैंने जो बोला डेफिनेशन, द एक्शन और प्रोसेस वेयर बाय द मास मीडिया कम्स टू कंट्रोल और अफेक्ट समथिंग, एक एकदम इजी है. फिर देखो, मीडियटाइजेशन इज टू एनेक्स टू अदर स्टेट्स वाइल अलाउिंग सर्टन राइट्स टू इट्स फॉर्मर सोवियत. ये भी एकदम इजी है. ये दो डेफिनेशन तो आप इजीली लिख सकते हो, और एक हद आपके हिसाब से देख लो कोई भी, लाइक यू कैन राइट दिस ना, रिडक्शन इन पावर और इफेक्ट बाय द इंटरपोजिशन ऑफ अ मीडिएटिंग एजेंट ऑन एज फंक्शन ऑफ अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द एक्शन ऑन प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनडायरेक्टली इन इट्स एप्लीकेशन. ये भी इजी है, ये भी आप लिख सकते हो. कोई भी दो तीन डेफिनेशन परफेक्टली लर्न करके रखना. मूविंग टूवर्ड्स द मीनिंग,
मीनिंग में अपन ने दो तीन पॉइंट्स देखे थे, राइट? लाइक मार्शल ही इज़ द फादर ऑफ दिस कंसेप्ट. हाँ, उसने मेडिटाइजेशन से वी कैन अंडरस्टैंड कि बाबा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चलता है, कैसे डिज़ाइन करना है. देन अकॉर्डिंग टू कैंट, मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को एक हाईली इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड एडजस्टेड टू द डिमांड ऑफ मास मीडिया इन द कवरेज ऑफ पॉलिटिक्स. देन इंस्टीट्यूशन एंड कंप्लीट सोसाइटीज आर शेप्ड बाय एंड इंडिपेंडेंट ऑन मास मीडिया. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू एस्प, पॉलिटिक्स आर मीडिएटेड व्हेन द मास मीडिया आर द मेन और द ओनली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन थ्रू विच इट मे इन्फ्लुएंस और इवन शेप पीपल्स कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी. सी, अकॉर्डिंग टू एस्प क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स आर मीडिएटेड. पॉलिटिक्स क्या है, ये एक मीडिएटेड है जहाँ पे मास मीडिया अपन यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि मास मीडिया क्या है, ये एक मेन सोर्स है फॉर ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, जहाँ से अपन लोगों के व्यू पॉइंट बदल सकते हैं, लोगों की सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं, हाँ, और उनको सब रियलिटी बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द डैनिश मीडिया स्कॉलर स्टिक रिचवर्ड हेल्प्ड इन डेवलपिंग दिस कंसेप्ट एंड सजेस्टेड दैट मेडिटाइजेशन इज अ सोशल प्रोसेस वाय बाय द सोसाइटी सैचुरेटेड एंड इंड्यूटेटेड बाय द मीडिया टू द एक्सटेंट दैट द मीडिया कैन नॉट लॉन्गर बी थॉट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द सोसाइटी. डैनिश मीडिया स्कॉलर क्या है, स्टिग, उसने क्या बोला, इट हेल्प्ड इन डेवलपिंग दिस कंसेप्ट, उसने बहुत मदद की है कंसेप्ट डेवलप करने के लिए. एंड उसने सजेस्ट किया कि मेडिटाइजेशन क्या है, इज अ सोशल प्रोसेस. मेडिटाइजेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे सोसाइटी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब क्या, एक होती है अच्छे से, और मीडिया भी एक होती है ताकि समझ सके. मीडिया कैन नॉट लॉन्गर बी थॉट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम अदर, ताकि मीडिया को पता चले कि बाबा आप हम सबका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो. लाइक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन शॉर्ट मीडिया को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे. मेडिटाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल, इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड कंसेप्ट दैट इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेडिटाइजेशन. सी, मेडिटाइजेशन क्या है, इज अ मल्टी डायमेंशन, इज इन अ प्रोसेस ओरिएंटेड कंसेप्ट. सी, अपन ने पहले भी देखा था मेडिटाइजेशन क्या है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और ये क्या है, सब कुछ इधर प्रोसेस ओरिएंटेड है, और ये दैट ये पॉसिबल कब है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ, और इसी वजह से क्या होता है, मेडिटाइजेशन की वजह से इसको इट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, और ये क्या है, बहुत लेंथी प्रोसेस है. इसकी वजह से क्या है, अपन अलग अलग फेजेस में इजीली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट. द कंक्लूजन इज दैट पॉलिटिक्स इज बीइंग इंक्रीजिंगली मेडिटाइज्ड. सी, द कंक्लूजन क्या है कि आज पॉलिटिक्स है वो इंक्रीजिंगली मेडिटाइज्ड हियर. द मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस ड्यू टू विच द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड देयर स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टर्स हैव इंक्रीज्ड. सी, अभी द मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अब मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और इसमें क्या है, मीडिया को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन स्पिल ओवर द इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस. तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो अलग अलग तरीके से अलग अलग वे से चलता रहता है, वी कैन नो इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट कैसा है, क्या है, इन सब के बारे में अपने को पता चलता है. द मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस ड्यू टू विच
the importance of media and their spillover effect on political process, institutional organization and actors have increased. इससे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, सब पे धीरे धीरे बढ़ता है और सब पे अच्छे से असर होता है उसका. टू मेन कंसेप्ट विदिन द थ्योरी ऑफ मीडियाटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकल लॉजिक एंड मीडिया लॉजिक. सी इन दिस देर आर टू मेन कंसेप्ट. वॉट आर द टू मेन कंसेप्ट? वन कंसेप्ट इज अबाउट द मीडियाटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकल लॉजिक एंड मीडिया लॉजिक. सी there is difference between political logic and media logic, right? But both things cannot be separated from each other. dono alag alag hai. political logic is completely different and media logic is completely different. but it doesn't mean ki baba dono cheez apan alag alag hi rakh sakte. nahi, dono cheez aapko saath mein leke hi aage badhna hai. yahan pe policy and पॉलिटिक्स शेप लॉजिकल पॉलिटिकल लॉजिक. सी पॉलिटी पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स शेप पॉलिटिकल लॉजिक. मीडिया लॉजिक इज शेप्ड बाय प्रोफेशनलिज्म कमर्शलाइजेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी. सी मीडिया लॉजिक क्या है, इट इज शेप्ड बाय प्रोफेशनलिज्म कमर्शलाइजेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी. प्रोफेशनलाइजेशन क्या है, अभी मीडिया आप कवरेज कर रहे हो तो कैमरामैन का काम कैमरामैन ही करेगा एंड द हु इज़ एंकरिंग हु इज़ गिविंग अस न्यूज़ ही इज़ प्लेइंग डिफरेंट रोल, राइट. उसमें भी आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं. जैसे अभी अपन आप जैसे अगर आप फ्यूचर में कोई डिग्री लो, जैसे इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है लाइक यू कैन बी अ सिविल इंजीनियर, यू कैन बी अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. उसी तरह मीडिया लॉजिक में भी क्या है, देर इज़ अ प्रोफेशनलिज्म कमर्शलिज्म एंड द मीडिया टेक्नोलॉजी. अलग अलग टेक्नोलॉजी भी है उसमें मीडिया में. किसी किसी को बस अगर आप न्यूज़ दे रहे हो तो बैकग्राउंड में सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, उसके लिए अलग पढ़ाई रहती है, राइट. फिर कंप्यूटर से सारा सब कुछ अच्छे से हैंडल करना है तो उसके लिए अलग मीडिया रहती है. तो एवरीथिंग गोज ऑन प्रॉपरली, मतलब हर चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्पेशल स्टडी करनी ही पड़ती है. मिलिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इज क्लोजली लिंक्ड टू द प्रेजेंस ऑफ मीडिया लॉजिक इन सोसाइटी एंड इन द पॉलिटिकल स्पीयर. कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया आर नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. सी मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट इज़ लिंक्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मीडिया लॉजिक इन सोसाइटी. और क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड. लाइक मीडिया लॉजिक क्या है क्या नहीं, इससे वो कम्प्लीटली लिंक्ड है एंड इन द पॉलिटिकल स्पीयर. कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया आर नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सी मास मीडिया आर नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स टू द functioning of political system. And then politics, the way it is performed and communicated have been significantly affected by the rise in mass media between the 19th and 20th century. See, politics ye kya hai, jis tarah se apan apna kaam kar rahe hai, jis tarah se apan communication kar rahe hai, it is kya hai, it has been significantly affected. इससे क्या हुआ है, मास मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, मास मीडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है. कब, इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी मास मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर मैसेज, पीपल कैन बी अवेयर ऑफ ऑल द न्यूज़. दैट्स वाई द यूज़ ऑफ मास मीडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सच मीडिया ड्राइव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज़ द कोर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मेडिटाइजेशन. सी If you're using the media, then we should look at the influence also. So, the political environment has also changed due to the concept of mediatization. Nowadays, media has become inseparable from the political domain, right? Media kya aap alag kar sakte ho kya politics se? Nahi. Without media, the politics can't operate only now. Like for politician, for each and every small thing, they take the help of media. तुरंत मीडिया को बुला लेते हैं, कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस. और मीडिया भी क्या है, पॉलिटिशियन के पीछे
पूरी दिन रात लगी रहती है, क्या है उनको अच्छे अच्छे चटपटी खबरें मिलती है तो क्या उनका TRP बढ़ता है ना, इसीलिए। सो मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इलेक्शन कैंपेन्स, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इमेज बिल्डिंग एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल सेलिब्रेशन। सो यहाँ पे क्या है, मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इमेज बिल्डिंग एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल सेलिब्रेशन में। द मीडियाटाइजेशन अप्रोच फॉर द लास्ट 2 decades हैज़ ग्रेजुअली बिकम अ सिस्टमेटिक कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थियोराइजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड सोसाइटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया। सी द मीडियाटाइजेशन अप्रोच फॉर द लास्ट 2 decades क्या है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, थेरोटिकल, रोज़ की रोज इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, इससे क्या हो गया है, मीडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और लोगों को भी क्या है, रोज़ की रोज़ सारी खबरें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। देन विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द प्रैक्टिसेस, मीडिया प्रैक्टिस मॉडल। द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल इज अ मीडिया इफेक्ट मॉडल यूज्ड इन मास कम्युनिकेशन। सी द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल क्या है, इज़ अ मीडिया इफेक्ट मॉडल यूज्ड इन मास कम्युनिकेशन, जो यूज़ हुआ है मास कम्युनिकेशन में। सी द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट मॉडल है जो अपन मास कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय जीन्स आर स्टिली एंड जैन डी ब्राउन इन 1995 and it focuses on everyday activities and routines of media consumption. See, now this media practice model, who developed this? It was developed by Jeans R. Steely and Jenny D. Brown in 1995. And with what concept did it come up? What was its intention? Its intention was only to focus on everyday activities and routines of media consumption. It helps in understanding what makes teenagers to pick one media source over another and what factor plays a role in this decision. See, it helps in understanding what makes teenagers to pick one media. Like, teenagers क्यों एक media देखते हैं, उसके क्या खासियत है उसकी, and what factors play role in this decision. और जब वो एक ही media देख रहे हैं, क्यों वो एक ही media देख रहे हैं, हाँ फिर क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो उस डिसीजन में, हाँ देख के उनका डिसीजन कैसे बदल रहा है, हाउ दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑल। दिस मॉडल एम्फसाइजेस द इंटरैक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड द मीडिया। सी ये जो मॉडल है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरैक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मीडिया। अभी कंज्यूमर और मीडिया के बीच में एक इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, तो ये इंटरेक्शन के लिए दिस मीडिया प्रैक्टिस मॉडल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है एंड इफ़ यू वांट द मीडिया टू कवर योर प्रॉब्लम, ताकि आपकी प्रॉब्लम सबको पता चले, तो क्या है अपन, अच्छा बेस्ट एग्जांपल अपन फेसबुक पे देखते हैं, राइट, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और गरीब है, तो व्हाट वी से कि बाबा इसके लिए प्लीज़ प्रे फॉर हिम, इफ़ यू लाइक विल गेट 50 paise, if you comment something will get 5 rupees, ये सब देखते हैं ना अपन। what is this, that is nothing but it is a, किस तरह से ये advertisement करने का एक source है, ताकि लोगों को पता चल सके। तो वो क्या कर रहे हैं, they are using the social media, right, ताकि अपने को पता, so that we know their condition and we can come forward to help them, and if some people come forward to help them, then they can go further with some decision. This model emphasizes, suggested that it is the adolescency individual characteristics, environment and daily routine that allows the media to have stronger or weaker effect on them. See, suggests that it is a adolescence, individual character, environment and daily routine. इस सबसे क्या होता है, मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अगर किसी भी चीज़ का गलत इफेक्ट हुआ तो क्या है, मीडिया वीक भी हो जाती है। तो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टेक ऑल द थिंग्स,
if you take it in a proper way, if you handle all the situation in a smart way, better way, तो क्या होगा, आपको आपका मीडिया स्ट्रांग बन जाएगा, लाइक यू विल बी ग्रोइंग स्ट्रांगर डे बाय डे. बट इफ़ यू गो, इफ़ यू फॉलो सम रॉन्ग वे, रॉन्ग मेथड, तो क्या होगा, योर एक नए दिन आपको नुकसान तो होना ही है इसमें. फिर द मॉडल वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 1987 टू 1993 एंड यूज डिफरेंट मेथड्स, दैट इज जर्नल, इंटरव्यू, सेल्फ एडमायर क्वेश्चनरीज एंड रूम टॉरलिंग टू अंडरस्टैंड द एडोलेंस रूम कल्चर. सी, ये मॉडल जो था, द मॉडल वॉज डेवलप्ड फ्रॉम, अब ये मॉडल कब से डेवलप होना चालू किया था, द मॉडल वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 1987 टू 1993. कितने साल गए, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 6 साल लगे ये मॉडल डेवलप करने के लिए. मतलब सोचो ऐसा कैसा मॉडल उसने डेवलप किया होगा था, मतलब ये मॉडल डेवलप करने के लिए 6 साल लगे उसको, और ये मॉडल ऐसे ही डेवलप नहीं किया, उसके कैसे अलग अलग मेथड्स यूज़ किए थे, अलग अलग मेथड्स, व्हाट दे यूज, दैट इज़ दे यूज जर्नल्स, इंटरव्यूइंग, सेल्फ एडमायर क्वेश्चनरीज, रूम टॉर्लिंग, सो दैट दे अंडरस्टैंड द पीपल, दे अंडरस्टैंड द रूम कल्चर, दे अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट्स, दैट्स वाई दे वर यूजिंग सो मैनी मेथड्स. दिस एनवायरमेंट वॉज चूजन बिकॉज एडोलेंसी बेडरूम्स आर यूजली क्लटर्ड विद डिफरेंट मीडिया मटेरियल एंड सोर्स एंड इट इज़ प्लेस वेयर एडोलेंसी स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देयर डे एंड इंटीमेट एनवायरमेंट वेयर एडोलेंस कैन एक्सपीरियंस विद पॉसिबल स्लेव्स. सी, अभी उन्होंने एज इन बेडरूम में भी सारा मीडिया क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सी रात को अपन रूम में टी वी वगैरह देखते हैं एंड यूजली सी ये जो एडोलेंस पीपल है दे यूज़ मीडिया एट नाइट ओनली, रात को ही वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं एंड ऑल, वेन दे आर रिलैक्सड, वेन दे हैव डन ऑल देयर वर्क, वेन दे आर सपोज टू फिनिश देयर डे, दे ऑन जस्ट द टी वी एंड मेनी पीपल हैव द प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग द न्यूज़ एट द नाइट. सो वॉट हैपन, दे गेट डिफरेंट मटेरियल, दे यूज डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन, सो दैट टाइम इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो फिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वॉट आर देयर फीलिंग्स, वॉट आर देयर व्यू पॉइंट्स, ऑल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर. द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टडी एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर थेरीज, दैट इज सेलेक्टिव एक्सपोजर थेरी, यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन, फ्रेमिंग, कल्टिवेशन थेरी एंड इमोशनल कंडीशनिंग. द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल ये कैसा है, इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन स्टडीज, राइट, इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन फाइंडिंग्स, लाइक काफ़ी सालों से इस पर रिसर्च वगैरह चलता रहा, राइट, काफ़ी सालों तक इस पर फाइंडिंग चलता रहा और बहुत सी थेरीज वगैरह आई, राइट, उन थेरीज पे सब ने काम किया. जैसे इट केम अप विद द थेरीज लाइक सिलेक्टिव एक्सपोजर थेरी, यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन, फ्रेमिंग, कल्टिवेशन थेरी एंड इमोशनल कंडीशंस. इन सब थेरीज पे, ये सारे थॉट प्रोसेस पे दे हैव बिल्ड अप दिस प्रैक्टिस मॉडल. इसीलिए तो उनको 6-7 साल लगे, क्योंकि देखो उन्होंने कितना फाइंडिंग्स किया होगा, कितने प्रैक्टिसेस क्या क्या किए होंगे. पहले तो उन्होंने जर्नल्स वगैरह देखे, इंटरव्यूज किए, क्वेश्चनरीज किया, रूम टॉर्लिंग, इसको सब समझा, फिर कल्चर सारे समझे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग थेरीज बनाई, राइट, दे केम अप विद डिफरेंट डिफरेंट थेरीज लाइक द सिलेक्टिव एक्सपोजर थेरी, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन, फ्रेमिंग, कल्टिवेटर थेरी, इमोशनल कंडीशनिंग, इतने सारे थेरीज वगैरह है. उसके बाद ये मॉडल बना, मतलब कितनी मेहनत का काम किया होगा उन्होंने, ऐसे ही आपको पढ़ने को थोड़ी मिल रहा है ये, इसके पीछे कितना उन्होंने कष्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी. Then the next point is the component of this theory. Component of this theory will start in the next lecture. मतलब next lecture में ये point तो भी पूरा ख़त्म होगा. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@ अरहम एडू
thank you.